सो ये मॉडल पेपर उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मेंटल एप्टीट्यूड या कंप्यूटर इन्वॉल्व है। तो चलिए विदाउट प्रेसिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, और स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि ये बीएससी वालों के लिए स्पेशल है। तो भैया, आपके एंट्रेंस एग्जाम में मेंटल एबिलिटी आ रही है और कंप्यूटर आ रहा है, जो कि एक स्कोरिंग पार्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बॉटनी तो सबने पढ़ी होगी, बट मेंटल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर पे जिसने जोर नहीं दिया तो भैया उसकी स्कोरिंग वहाँ से मार खा जाएगी। और आपने अगर क्लेवरली ये काम कर लिया, अगर आपने मेंटल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर को कवर कर लिया, जो कि हम आपको कवर करवा रहे हैं, कैसे, मात्र 1.5 घंटे की वीडियो में आपको हर एक पैटर्न समझाया गया है, बहुत ईजिली आप समझ जाओगे, ठीक है, एकदम बच्चे की तरह समझाया और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो 1.5 घंटे आपको देने इस ई बुक के थ्रू, आपको वो हमने कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कल भी पेपर है तो भी आप इसको ले सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, कंप्यूटर की भी आपको जो ई बुक है यहाँ पर फ्री मिलेगी इसके साथ में, इस ई बुक के साथ में, तो उसमें से भी आप एक एक वन लीनियर जो है वो पढ़ते जाओगे और बहुत ही आसानी से आपको कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा, जो भी बेसिक्स हैं, और उतना आपके लिए इनफ रहेगा आपके कल के एग्जाम्स के लिए या आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए विदाउट फेसिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। बाकी आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके तुरंत फॉर्म फिल करिए, और फिर उसके बाद हमें जो हमारा व्हाट्सएप है उस पर आप स्क्रीनशॉट और अपना नाम भेज दीजिएगा, और बाकी अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो कॉल कर लीजिएगा तुरंत कि सर मेरा कल पेपर है, जस्ट प्रोवाइड मी, तो मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम डायरेक्ट करेंगे, टाइम कम है, एक रिविजन की तरह मैं आपको करवा रहा हूं, एक मैराथन की तरह यहां पे चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूं कुछ क्वेश्चंस। तो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। क्वेश्चन नंबर 2, अ रियल गैस most closely approaches the behavior of ideal gas at 0.5 atm and 500 kelvin. Different gases at same temperature must have same average kinetic energy. An ideal gas cannot be liquefied because forces operates between molecules are negligible. Okay. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन टेक्निक से हम जो हमारा जो टू गैसेस का मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। प्रेशर ऑफ गैसेस इन अ वेसल कैन बी मेजर्ड बाय, तो मैनोमीटर से मेजर करते हैं। एंड हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं आपके, रिवर्सिबल होते हैं। इसमें से क्या आपको पॉजिटिव चार्ज जो है सॉल्ट देगा, तो वो आपका बनेगा इलेक्ट्रोफोलिसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। गोल्ड नंबर इज रिलेटेड विद, तो कोलॉइड से रिलेटेड है। टिंडल फिनोमिनन इंपॉर्टेंट है, इज एग्जिबिटेड बाय स्टार्च सॉल्यूशन की मदद से हम यहाँ पे टिंडल फिनोमिना को देख सकते हैं। स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, सभी को पता होगा। मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एडिंग फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, ओके, जिससे वो फटता नहीं और हम उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। बफर इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। द एमल्सीफाइंग एजेंट इन मिल्क इज केसिन। शेप्स ऑफ मिथेन एथीन इथाइन मॉलिक्यूल्स आर रेस्पेक्टिवली टेट्राहेड्रल प्लानर एंड लीनियर। क्वेश्चन नंबर 16, द सी एच बॉन्ड एंड सी सी इन इथेन आर फॉर्म्ड बाय, तो sp3s एंड sp3 एंड sp3। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल बॉन्ड्स इन बेंजीन आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस। पोलर कंपाउंड क्या है इसमें, HCl है, ठीक है। पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, क्रेडिट फॉर रिंग स्ट्रक्चर इन बेंजीन इज गोस टू, तो कैकुले को हम यहाँ पे क्रेडिट देते हैं रिंग स्ट्रक्चर जो बेंजीन में पाया था, डिस्कवर किया था। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो है कार्बेनाइन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स। विच काइंड्स ऑफ फिशन इज फेवर्ड बाई सनलाइट, तो होमोलाइटिक। द री एजेंट इन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो RCOCl, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिटरमिंड बाय बॉन्ड एनर्जी। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स कार्बोनियम आयन। आगे बढ़ते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ मिथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, तो ब्यूटीन 2। आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटर इन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो सनलाइट और यूवी लाइट होगा। और विच बिहेव्स बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह
बीएफ करता है, तो CH3Cl यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा। वुड्स रिएक्शन की बात करें, इज यूज टू प्रिपेयर साइमेट्रिकल एल्केन्स, और केरोसिन ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। कोलबेस सिंथेसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनिक एसिड गिव्स, तो यहाँ पे हेक्सेन होगा। आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये एक मैराथन की तरीके से है, और मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल पाए। अदरवाइज़ मैं आपको एक क्वेश्चन के बजाय वहाँ पे स्टे कर सकता था, वीडियो को और लंबी बना सकता था, चार ऑप्शंस रख सकता था, चार ऑप्शंस को पहले बोलता और फिर करेक्ट आंसर बताता। वीडियो लंबी होती कोई फ़ायदा नहीं है, जो मेन मोटिव है वो हमारा पूरा होना चाहिए, दैट्स इट, कि आपको कंटेंट मिले, क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रिविजन हो जाए। बाकी आपने इतने दिनों से मेहनत करी ही है तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, बाकी पूरी कोशिश है कि हम आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू करा दें। और जो हमने मेंटल एप्टीट्यूड का जो आपका सिलेबस है उसमें आप देख सकते हो मेंटल एप्टीट्यूड आपका मेंशन है और कंप्यूटर मेंशन है, तो उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपका ये सब प्रिपेयर है, बायो और केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी प्रिपेयर है, तो आप वो दो सब्जेक्ट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके फुल टू फुल स्कोर दिला सकते हैं। अगर 15 क्वेश्चन आ जाते हैं वाले आपके मेंटल एप्टीट्यूड के, और 15 ही क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कंप्यूटर के, तो 15-15 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 30 × 2 कर दीजिए तो 60 नंबर का आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है, तो बाद में ये मत कहना कि सर ये वाले कम आए थे, ये वाले ज़्यादा आए थे, क्योंकि ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है अभी तक के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, BJMC का हुआ या BLED में, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस जो पैटर्न पूछा जाएगा वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है ई-बुक के थ्रू, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी YouTube पर भी हमारे जो जहाँ पे प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल हैं चीज़ें, बट क्योंकि आपके पास टाइम कम है, कल या आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो मैं आपको ई-बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, जिससे आपका कम टाइम में मात्र 1.5 से 4 घंटे में आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। 4 घंटे उन लोगों के लिए चाहिए जो रीजनिंग भी पढ़ेंगे, और 1.5 घंटा उन लोगों के लिए चाहिए जो सिर्फ मेंटल एप्टीट्यूड कवर करेंगे। बाकी ई-बुक आपको उसकी मिलेगी कंप्यूटर की, तो वहाँ से आप डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हो चीज़ें अभी भी, और फिर एक बार मॉर्निंग में रिवाइज कर दीजिएगा एंट्रेंस एग्जाम में जाने से पहले, या आप एंट्रेंस एग्जाम में वहाँ जब पहुँच जाओगे सेंटर पे तब भी रिवाइज कर सकते हो, तो आपको चीज़ें रिमाइंड रहेंगी और बहुत इजीली आपको कवर भी हो जाएगा, कुछ उसमें बहुत बड़ा हुआ भी नहीं है। एन इजी स्टेप टू मेक योर स्कोर हाई। ओके, सो यू कैन गो विद इट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपका ये सब चीज़ें कवर है तो आप वहाँ से जाइए और देख लीजिए। बाकी मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप एक बार ये सारे क्वेश्चंस भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हमने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, ठीक है, पूरा पूरा जो हमारा चैप्टर्स हैं कई सारे उसमें से पूरा निचोड़ ये निकाला है, तो इसको भी देख लीजिए, और उसके बाद आप कंप्यूटर का और जो मेंटल एप्टीट्यूड का है, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, उसके साथ आप जा सकते हो, कम टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए बैक टू द क्लास। नॉट फाउंड इन एल्कीन्स, तो मेटामेरिज्म यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। एनिलीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH टू गिव कार्बिलेमाइन, ठीक है। और भाई जिनको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, तो जस्ट फॉर द सेक कि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ, बाकी समझ में तो आपको सभी कुछ आ ही रहा होगा अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हेन बेंजल्डिहाइड इज हीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट द प्रोडक्ट विल बी सिनेमिक एसिड। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस के नाम दिए हुए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, परकिन रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन, इन सभी रिएक्शंस के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप सो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एबियोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजन सपोर्ट्स, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। प्यूलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक एक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाय, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपाउंड्स ऑन द प्रिमिटिव अर्थ इज, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल मेलनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑप्शन ए नेचुरल सेलेक्शन। हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ओपेरियन हेल्डेन। अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर आपका डी बनेगा, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ, तो ऑप्शन ए कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यही बनेगा। ये तो हमारा लग रहा है कि रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विंग ऑफ अ माउथ, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा ए बी सी डी ऊपर लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि यहाँ पे फ्लिपर ऑफ वेल है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा डाउट में रखता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा चीज़ें, आप एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ओके। ये आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपका कमेंट जो है वो पिंड कर दूंगा, जिससे और बच्चों को भी दिख जाएगा वो चीज़ें, ओके। अ फूड वेब इज़ टू शो डैश, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू इको सिस्टम इज टर्म्ड एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इको लीन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, तो यहाँ पे माइनर सॉरी सेल्टेशन, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, द हाइएस्ट नेट एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑकर्स इन, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द टर्म इको सिस्टम वॉज क्वाइंड बाय, तो ऑप्शन ए आर्थर टेंसले। बायोम इज अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। आगे बढ़ते हैं, विच क्लास हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, तो इंसेक्ट्स। फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फॉर प्लेटीहेल मिनफिस, ओके प्लेटीहेल मिनफिस। फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्पिक्यूल्स। पेरीप्लैनेटा बिलोंग्स टू विच फाइलम, तो अर्थोप्रोडा। जितने भी यहाँ पे फाइलम्स हैं, अर्थोप्रोडा, फिलेरियासिस, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेडियल साइमेट्री फाउंड इन, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कोएलेंटेराटा एंड एक्नो बर्मेटा, ओके। द टर्म हार्मोन वॉज सजेस्टेड बाय स्टार्लिंग। फीडबैक मैकेनिज्म इज रिलेटेड विद हार्मोनल सिक्रेशन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट देयर फ्लूइड इन टू ब्लड थ्रू ECF, ओके। आगे बढ़ते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, सभी को पता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। आगे बढ़ते हैं, हॉर्मोन रिलेटेड विद बर्थ एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, तो ऑक्सीटोसिन। द रिलीजिंग हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन कंसेंट्रेशन इज वैसोप्रेसिन। एंड नर्व सेल ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रायोनिक एक्टोडर्म। द जंक्शन बिटवीन शॉल सेल्स इज नोन एज अ नोड ऑफ रैनवियर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, RANVIER है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर अब आ गया है, और भाई मैं बता रहा हूँ आपको कंप्यूटर का, ये तो हमने कुछ ही क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि मॉडल पेपर बना रहे हैं, और बाकी हमने क्लासेस भी करवाई हैं, तो क्लासेस आप एक एक करके देख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक रिवीजन आपको चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप ई बुक ले लीजिए, बहुत यूज़फुल होने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। तुरंत बस जैसे ही आप उधर फॉर्म भरेंगे, या तो हमें कॉल कर दीजिए, या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप करके वहाँ पे डायरेक्ट बता दीजिए कि सर हमने ये फॉर्म भरा है, और ये हमारा स्क्रीनशॉट है पेमेंट का, ये आईडी है, ये आप हमें ई बुक प्रोवाइड कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और हम एक्टिव रहेंगे आप लोगों के लिए कि आपको जल्द से जल्द ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँ स्पेशली, ओके। तो ये काम आप कर सकते हैं, बाकी योर चॉइस, आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको सही लगे। हमारा काम है बताना, एक राइट पाथ दिखाना, जिससे आपका स्कोर हाई हो सकता है, ओके, पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, तो चॉइस इज योर्स। F1 की इज़ यूज्ड फॉर, तो हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं। DRAM का जो है, आपसे अगर पूछे कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायनेमिक, D फॉर डायनेमिक, और RAM से आपको सभी को पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। आगे बढ़ते हैं, गूगल क्रोम इज़ अ, तो गूगल क्या है, एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम इज़ अ ब्राउज़र, ओके। आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस आपको याद रखने हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना था, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी याद रखने हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, जैसे आपके जो है ये अप्लायंसेज आएंगे। और MS ऑफिस क्या है आपका, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक टाइप है, तो MS ऑफिस एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। BIOS का फुल फॉर्म पूछे तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ पे आपका BIOS का फुल फॉर्म बनेगा। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके थे यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस। मेंटल एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको बोलूँगा कि भाई देखिए, दो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, दोनों ही चीज़ें आपको करनी है। अभी हमने सुबह एक मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास डाली थी, वो आप देखिए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो ई बुक आप लेते हो अगर, तो वहाँ से भी, तो फिर मतलब ये तो क्लास आपको हटा ही दीजिए। अगर ई बुक आप लेते हो, तो फिर वहाँ से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, सारे के सारे पैटर्न्स, ठीक है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और हमने बताया आपको कि हम आपके लिए स्पेशली आज एक्टिव रहेंगे, कि अगर आपका किसी का भी
ये जो है मैसेज वगैरह आता है तो हम आपको बता देंगे कि हाँ इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को, बाकी सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पे भूलिएगा मत भाई कि कल आपका जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर आपका मतलब जो है हमारा नंबर आप सभी के पास है ही, तो वहाँ पे आप सभी को जो क्वेश्चंस जो भी आपको याद रहे वो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जिससे और बच्चों को हेल्प मिलेगी, आपके जो अब आप तो सीनियर हो जाओगे, अब आपके जो जूनियर आएंगे आने वाले साल में, अगले साल में 2023 में, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी आपकी वजह से, और आपको भी हेल्प मिली है जो 2021 में जिनका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने भी बच्चों ने बताया था कि सर ऐसे ऐसे था, तो उसी तरीके से हमने आपको बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिली है, तो आप भी हेल्प करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फ़र्ज़ बनता है। तो क्वेश्चन ज़रूर शेयर करिएगा, वेट रहेगा सबका। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, माता सरस्वती के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अल्लाह के आशीर्वाद से, लॉर्ड जीसस के आशीर्वाद से, आप सभी का पेपर अच्छा हो। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, और अच्छे से करिएगा। बाकी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपसे बताया था कि एक क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं देना है और 1 से 100 तक सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और स्ट्रैटेजी आपको मैंने बताई था तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो भाई एक बार देख लीजिएगा, वो वीडियो यूज़फुल होने वाला है वो सब चीज़ें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, समय से पहुँचिएगा। जय हिंद, जय भारत।